सो हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल टेक्निकल माइंड। गाइस आज की वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कीबोर्ड के बैकग्राउंड में अपना फ़ोटो कैसे लगाए। गाइस गाइस आपको दिखा देता हूँ मैं, जैसे कि मैंने लगा रखा है अपने बैकग्राउंड में अपना फ़ोटो, जैसे कि मैंने लगा रखा है। गाइस ये फ़िलहाल के लिए मैंने बेकार फ़ोटो लगा रखा है, क्योंकि मैं आपको लगा के दिखाने वाला हूँ कि बढ़िया फ़ोटो कैसे लगाते। तो गाइस उसके लिए आपको कुछ नहीं करना होगा, हमारे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना होगा। चलो गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है सेटिंग का, कीबोर्ड में सेटिंग वाला ऑप्शन पर आपको क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पर थर्ड नंबर पर एक ऑप्शन मिलता है थीम। थीम में जाने के बाद गाइस यहाँ पर आपको जैसे कि ये थीम्स है जो इसके आप इनमें से भी कोई सा डाउनलोड करने के बाद लगा सकते हैं। जैसे गाइस आपको अपना थीम लगाना है, माई थीम्स माने के बाद गैलरी पर ऐड करने का होगा। उसके बाद गाइस यहाँ से आपको जाना होगा एक ऑप्शन पे जो मिल जाता है आपको गैलरी का। गैलरी में जाने के बाद गाइस यहाँ पर आपको एल्बम में आने के बाद गाइस जैसे कि गाइस मैं यहाँ पर आपको ये फ़ोटो लगा के दिखाता हूँ। गाइस ये फ़ोटो गाइस कैसे लगाए, गाइस आपको जैसे भी लगाना होगा उसे जूम कर लेना होगा, जो भी है जूम कर देना होगा जो भी आपको लगाना होगा। उसके बाद नेक्स्ट करना होगा, जैसे कि ये आ रहा है गाइस उसे वाइट कर देना होगा पूरा 100% ब्राइटनेस को। और डन करने के बाद गाइस यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है कीबोर्ड्स। गाइस कीबोर्ड्स आते हैं जो बटन के पीछे बड़े बड़े से, ना आपको ऑफ कर देना होगा, इसमें अच्छा रहेगा। गाइस आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं दोबारा कुछ, और गाइस उसके बाद आपको अपना सेव करने के बाद अप्लाई कर देना होगा। गाइस अप्लाई करने के बाद गाइस आपको बार खाकर अपना कीबोर्ड देखना होगा, वो अपडेट हो चुका है। गाइस अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।